गुलबहार सुल्तान अरकान हुकूमत के साथ मिलकर कोई जालसाजी कर रही हैं। मुझे खत मौसूल हुआ है जिससे ये मालूम हुआ। वो खत किसने भेजा है मलिका? एक बेनाम खत है हलील पाशा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इसके पीछे गुलबहार सुल्तान है, और मेरा शक गलत नहीं। कोई और भी तो हो सकता है इसमें शामिल मलिका? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इशारे तो शेखुल इस्लाम आयजादे अफंदी की तरफ जाते हैं। उल्मा के जो ओहदे खाली हुए थे वहां भी उन्होंने अपने वफादारों को तायिन किया है, और उन्हें अक्सर शहजादे बियाजत के साथ भी देखा गया है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। क्या शहजादे बियाजत भी इस साजिश का हिस्सा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें हर पहलू के बारे में सोचना होगा। मेहमत पाशा, हलील पाशा, अब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अगर आपको कुछ भी मालूम हो या किसी पर थोड़ा बहुत भी शक हो तो फौरन मुझे आकर बताइएगा। जो हुक्म आपका मलिका। आईजादे अफंदी अपने काम के बहुत पक्के हैं, कोई भी राज बाहर नहीं आने देंगे कभी। आप उनके बेटे सईद अफंदी से मुलाकात करें, हो सकता है कोई सिरा हाथ आ जाए। जो हुक्म मलिका। अगर ये खबर सही है तो आका को पाया है तख्त को इस वक्त छोड़ के नहीं जाना चाहिए। गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। हम भी तो यही चाहते हैं, ताकि ये जल्द मालूम हो जाए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मलिका, कहीं ये सिनान पाशा। सुल्तान मुराद की तदबीर की वजह से उल्माओं के बीच नफाक पैदा हो रहा है। बादशाह के खिलाफ अमल करने से डर रहे हैं वो। आयजादे अफंदी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम मुश्किल है। लेकिन जब उनके बीच उनका बादशाह ही ना रहे तो तब बात कुछ और होगी। मैंने आपसे कुछ कहा था, वो काम हो गया? पाशा को खबर भिजवा दी मैंने, वो संभाल लेंगे। लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा मलिका? आपने तो इंतजार करने का कहा था। कौसम, इस वक्त कोई ना कोई चाल चल रही है और मुझे इस पर पूरा यकीन है। और अब जब सुल्तान मुराद शहजादे कासिम और इब्राहिम के साथ शिकार पर गए हुए हैं तो इस वक्त हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए शिकारियों को शिकार बनाने का। आज बहुत खुश लग रहे हो इब्राहिम। जी मेरे आका, काफी अरसे बाद महल से बाहर निकला हूं। हम सबका एक साथ होना मुझे अच्छा लगा। मुझे भी। मेरे आका, मेरे सवाल को माफ कीजिएगा, शहजादे बियाजत हमारे साथ क्यों नहीं आए? आप तो उन्हें पसंद करते थे, क्या उनसे कोई गलती? अस्सलाम वालेकुम। उसे साथ ना लाना ही मैंने मुनासिब समझा। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप लोगों को किसी कहवे खाने का पता है यहाँ? क्या आपको मालूम नहीं है कहवे खाने बंद करा दिए गए? हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो कपड़ा खरीदने आए हैं यहाँ। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं। यानी आप लोग कोई ना कोई जगह तो जानते ही होंगे। एक जगह के बारे में जानता हूँ, वहां ले जा सकता हूँ तुम लोगों को। खुश आमदीद, आइए बैठिए। मैं आप लोगों के लिए फौरन कहवा लेकर आता हूं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। कहवा खाने तहखानों में खोले गए हैं। ये लोग मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। कभी कभार कुछ लोगों को कहीं भी बात समझ नहीं आती।
फिक्रमंद ना हो आप, ये जमीन की तह में भी चले जाएं तो वहां से भी निकाल लेंगे इनको। हुसैन, क्या खबर है? मैंने खबर कर दी है, सिपाही आते ही होंगे। आप लोग आका के फरमान को नजरअंदाज करके यहाँ केवा खाने में बैठकर नशा करते हो। गिरफ्तार कर लो सबको, इन सबको काजी के सामने पेश करो, इनकी सजा का फैसला वही सुनाएंगे। चलो चलो, तुम भी चलो चलो चलो। क्या इल नहीं कि तंबाकू नोशी और कैवे खानों पर पाबंदी है? हम अच्छी तरह जानते हैं काजी साहब, लेकिन नशा छोड़ना इतना आसान नहीं। अच्छा, और मौत को गले लगाना आसान है? क्या मालूम नहीं इसकी सजा मौत है? ताल्लुक कहां से तुम लोगों का? हम पायतख्त से आए हैं यहां, वहां पाबंदियां ज्यादा सख्त हैं। हम ताजिर हैं, बस कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। अब जाने भी दीजिए काजी साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी जान लेंगे? काजी साहब, इस मसले का कोई तो हल होगा। अगर आप हमें माफ कर देंगे तो जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो तुम लोग ताजर हो, यानी तुम लोग दोबारा यहां नहीं आओगे? शुक्र करो कि मैं सुल्तान मुराद की तरह सख्त नहीं, मुझ में जमीर है थोड़ा बहुत, रहम दिल हूं मैं। इस दफा छोड़ देता हूं तुम लोगों को। सुल्तान मुराद है। मेरे आका। तो तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम्हारे अंदर जमीर है। क्या यह है तुम्हारा जमीर? रिश्वत लेकर कानून की खिलाफ वर्जी करना। मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं अब कभी भी आपका हुक्म नहीं टालूंगा। टालोगे काजी साहब, टालोगे, क्योंकि तुम तक मेरे हुक्म पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि जो मेरे हुक्म की तात नहीं करना चाहते उनके कान बहरे होते हैं, वो सुन नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? सब खैरियत तो है बाबा, खत में ऐसा क्या लिखा हुआ है? बरसा के काजी ने इत्तला भिजवाई है, सुल्तान मुराद ने इज़निक के काजी का सर कलम कर दिया है और किसी आदि मुजरिम की तरह शहर के बीचों बीच लटका दिया। ऐसा पहले कब हुआ है कि उल्मा की जान ली जाए बाबा? यकीनन गलत खबर होगी। गलत खबर नहीं है बेटा, निजाम में है और ये निजाम हमें सही करना है।
फौरन तमाम उलमा को खबर कर दो कि शेखुल इस्लाम ने आप सबको याद किया है। जो हुक्म आपका। से शहजादे कहीं आप गिर ना जाएं। माशाल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए आपको। मैं नहीं गिरूंगा, हम लोग तो खेल रहे हैं। अहमद, मेरे शहजादे, नौरीन, बच्चों को उनके हुजरे में ले जाओ। जो हुक्म आपका मेरी मलिका। सब खैर तो है आयशा? काफी परेशान लग रही हूँ। आपको देखकर मेरे चेहरे पे परेशानी तारी हो जाती है। बेहतर होगा कि मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहें। आखिर इसकी क्या वजह है? आप जानती हैं क्या वजह है? शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे तमाम गुनाहों की राजदार जो हूं मैं, अगर इन राजों से मैंने पर्दा उठाया तो फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। राज तो मैं भी आपके जानती हूं। तुम्हारा और मेरा एक समझौता हुआ है, अगर वो टूटा तो दोनों खत्म, ये बात याद रखना। आयशा और गुलबहार सुल्तान के बीच जरूर कुछ है। वो आपस में लड़ने वाली थी। आप कहना क्या चाह रही मलिका? कहीं आपको आयशा सुल्तान पर तो शक नहीं? हो सकता है वो खत उसने लिखा हो। वैसे भी और कौन लिख सकता है? मेरे जहन में उसके अलावा और कोई नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन जब वो कौसम सुल्तान के पास जा सकती है तो आपके पास क्यों आएंगी? मुझे नहीं मालूम, मैं ये समझने से कासिर हूं। लेकिन इस बात का ताल्लुक वाकई आयशा सुल्तान से है तो फिर मुझे जरूर मालूम करना होगा। मेरे आका, आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। आपकी मेहमान नवाजी करना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है बादशाह सलामत। मैंने सोचा जब यहां आया हूं तो अपने बेलरबे से मिलकर ही जाता हूं। बहुत शुक्रिया आपका मेरे आका। इज़नी के काजी के बारे में मालूम हुआ मुझे। उस गाफिल के साथ यही होना चाहिए था मेरे आका। रिश्वत लेता था वो, आपके फैसलों के भी खिलाफ था। आपकी मुखबरी बिल्कुल सही निकली पाशा। वो गद्दार सर से लेकर पांव तक गलाजत में भरा पड़ा था। कासिम, यह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, कुछ कहा इसने तुम्हें? कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ अजीब सा है। इब्राहिम, इसमें अजीब क्या है? आदमी ही तो है। चलो तुम अपना खाना खाओ। अगर तुम चाहो तो हुजरे में चलते हैं। मेरे आका, हम लोग अपने हुजरे में जाना चाहते हैं। शब्बा खैर। आपको भी मेरे आका। आगा और शहजादों को उनके हुजरे तक लेकर जाओ। मेरे आका,
इजाजत दीजिए, मैं आपके सामने एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। आगा हूं। मेरे आका, मुझे इजाजत दीजिए। आप तशरीफ लाइए सईद अफंदी। मेहमत पाशा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? आइए काजी साहब, आइए बैठिए, मशरूब पेश करो। इस्तांबुल के मुहाफिज की हैसियत से मैं आपसे उन पाबंदियों के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, जो भी पाबंदियों का पास नहीं रखते उन्हें सजाएं दी जा रही हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आला, लेकिन ये काफी नहीं है, तफ्तीश बढ़ाने की जरूरत है। घर घर जाके मालूम करना होगा कि कहीं तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। मैं कोशिश करूंगा लेकिन मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या है काजी साहब? क्या हमारे बादशाह की अताअत मुश्किल है? तो तुम्हें मुश्किल लगता है हमारे बादशाह का हुक्म मानना? तुम्हें मुश्किल लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम भी एक गद्दार हो। अपने वालिद आहेजादे अफंदी की तरह तुम भी गद्दारी कर रहे हो। हरगिज नहीं। आपने मुझे क्यों पिलाना है? वालिदा, तुम्हारी जिंदगी यहीं तक थी सईद अफंदी? सीधी तरह से बताओ आइजादे अफंदी क्या चक्कर चला रहे हैं? मैं वाकई कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारे जहर का असर खत्म कर सकती है। अगर तुम हकीकत बताओगे तो वालिदा सुल्तान की हैसियत से मैं वादा करती हूं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। आगा, यहां इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें वालिदा की हिफाजत करनी चाहिए। मेरा यहां रुकना ज्यादा मुनासिब होगा शहजादे, क्योंकि आपकी वालिदा आपके लिए परेशान रहती हैं। इजाजत है। शहजादे, वालिदा सुल्तान ने आपको याद किया है। सब खैरियत है? मुझे याद किया? वो आइजादे आफंदी से मुलाकात के लिए जा रही हैं, शायद आपको भी साथ ले जाना चाहती हूं। ठीक है, सुनो आगा, तुम मेरी वालदा को खबर कर देना कि मैं कौसम सुल्तान से मिलने के लिए जा रहा हूं, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए।
आ रही है सुल्तान, रात के इस वक्त खैर तो है? खैर है या शर, ये तो तुम मुझे बताओगी। मुझे एक खत मिला है, क्या वो इसने लिखा है? किसने, कौन सा खत? आयशा सुल्तान ने, जिसमें गुलबहार सुल्तान की मुखबरी की गई है वो उन्होंने लिखा है ना? मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी ये सब क्यों करेंगी मलिका? क्या उन पे दोबारा इल्जाम लगाना चाहते हैं आप लोग? अच्छा तो हम इल्जाम लगा रहे हैं। इधर आओ सर। ये आप क्या कर रही हैं मलिका? मैंने कुछ नहीं किया है। खामोश, आप यहीं इंतजार करें। मलिका, वो हमारे शहजादे को लेकर। कौन, कहाँ लेके गए उन्हें? हाजी आगा आए थे, उन्होंने कहा कि कोसम सुल्तान के साथ वाहिजादा अफंदी के घर जाएंगे। आहिजादे अफंदी की तरफ? या अल्लाह रहम, ये बिल्कुल खैर की अलामत नहीं है। कोसम कहीं मेरे शहजादे की जान ना ले ले। सनान पाशा को खबर करो कि फौरन यहाँ आए मेरे पास। बाहर जाओ। ऐसा लगता है मेरे हुजरे की आदत हो गई है तुम्हें। क्या काम है तुम्हारा यहाँ? क्या वजह है यहाँ आने की? नौरीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आखिर क्या चाहती हो मुझसे? वो खत क्यों लिखा मुझे? किस बारे में बात कर रही हूं मुझे नहीं मालूम। नौरीन कहाँ है? क्या किया उसके साथ? इनकार मत करो, ये बताओ क्यों किया ऐसा? तुम्हें गुलबहार सुल्तान के साथ बहस करते हुए देखा था मैंने। तुम दोनों के बीच में आखिर क्या है? और मुझे उसका हिस्सा क्यों बनाना चाहती हो? जो कुछ तुमने देखा गलत है वो। मेरा गुलबहार सुल्तान के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? तुम दोबारा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? आज तक जो कुछ तुमने किया क्या वो सब इल्जाम था? मुझे साफ साफ बताओ आयशा, क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, बस। समझी तुम? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी कि जब तुम्हारा दिल चाहे मुंह उठाकर मुझसे हिसाब लेने आ जाओ। ठीक है, तो फिर तुम सुल्तान मुराद को देना हिसाब। क्या हमारे शहजादे सो गए हैं? वो सो गए हैं और बिल्कुल महफूज हैं, हमने तदबीर ले ली है। आला। मलिका, खैरियत रात के इस पहर? सनान पाशा, जल्दी कीजिए, कौसम शहजादे की जान ले लेगी। मेरे शहजादे को बचा लीजिए। मलिका, इत्मीनान रखिए और मुझे ठीक से बताइए हुआ क्या है। सिनान पाशा, आपने सुना होगा कि इज़निक के काजी गुमोश ज़ादे महमद आफंदी के साथ क्या हुआ। सुल्तान मुराद ऐसे शख्स हैं कि जो किसी इल्म पर यकीन नहीं रखते, बगैर किसी से मशवरा किए सजाए मौत दे दी और 3 रोज तक शहर के बीचों बीच टांगे रखा। आज से पहले ऐसा ना देखा है ना सुना है हमने कि किसी उलमा को सजाए मौत दी जाए। सुल्तान मुराद ने तो खुलकर बता दिया है कि अब वो हम उलमा पर यकीन नहीं रखते। आज जो इज़निक के काजी के साथ हुआ है, कल वो हमारे साथ नहीं होगा, किसी को क्या मालूम।
ये सजाए मौत तो हम सबके लिए तजलील है, हम में से किसी की भी जान महफूज नहीं। और साहिबों, इसी वजह से हम सब एक होकर इस मामले को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे मुफ्ती साहब? आका तो हमारी बात सुनते ही नहीं, उनके दिल में जो आता है वो करते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम ये सब सुल्तान मुराद को बता सके? क्या मलिका कौसम सुल्तान के पास चले? सुल्तान मुराद तो कौसम सुल्तान की भी बात नहीं सुनते, उन्होंने तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया जब मासूमों की जान ले ली गई थी। जरूरत पड़ी तो हम डट कर खड़े हो जाएंगे और हम शहजादे बियाजत को तख्त नशीन कर देंगे।
क्यों गई हो खाता? मेरे आका, हर चीज साफ साफ बता दूंगी मैं आपको, लेकिन अभी नहीं। यादगार पाशा शहजादों की जान ले लेंगे, आप जल्दी जाइए। कासिम, कासिम उठो, मेरी मदद करो। कासिम, ये हमें मार देंगे। इब्राहिम यहां से भागो। शहजादे आप खैरियत से हैं? कासिम, तुम ठीक तो हो? तुम तो जख्मी हो। मेरे आका, बस छोटा सा जख्म है। इब्राहिम कहाँ है? इब्राहिम, इब्राहिम भाई, इब्राहिम, 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 क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ मेरे भाई। अस्तर खातून, फारिया सुल्तान, क्या हुआ? काफी परेशान लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे वालिदे सुल्तान से मिलना है, क्या वो महल वापस आ गई हैं? मुझे नहीं मालूम, क्या आप उनके साथ नहीं गई? मैं वो दूसरे कामों में मसरूफ थी, मैं उनके हुजरे में उनका इंतजार करती हूँ। शब बख़ैर फारिया सुल्तान। अस्तर खातून, गुलबहार सुल्तान, कौसम सुल्तान ने क्या तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा दिया है जो तुमने जासूसी शुरू कर दी है? गुलबहार सुल्तान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और जासूसी? ये मासूमियत तुम पर अच्छी नहीं लग रही। तुमने गलती कर दी, वो सब तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। हाँ, मैंने सुन लिया, तुम्हें भी और उस गद्दार सनान पाशा को भी। कौसम सुल्तान से गद्दारी तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। शेखुल इस्लाम आईजादे अफंदी ने जो कहा आपने सुन लिया। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि मुराद को हटाकर आपको तख्त नशीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो होते कौन है आका को तख्त से हटाने वाले? मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ आपने सुना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मलिका, यकीन कीजिए मेरा। आपका कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये सच है, आपकी वालिदा का इससे ताल्लुक जरूर है बियासत, और ये उन दोनों की मिली भगत है। माजी गवाह है इस बात का कि वो इस खानदान की गद्दार रही है और रहेंगी। ऐसा नहीं है मेरी मलिका, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर उन्हें करना ही होता तो। ये फैसला वक्त करेगा, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको फैसला करना होगा कि आप अपने भाई आका के साथ हैं या अपनी वालिदा के साथ, और इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सनान पाशा को तो देख लिया है तुमने, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, उलमाए कराम और अरकान हुकूमत में से कई और लोग भी हैं मेरे साथ। आपने बिल्कुल सही सोचा था कि आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर
आहिस्ता आहिस्ता सारे गद्दार सामने आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। शेखुल इस्लाम आइजादे हुसैन अफंदी उन गद्दारों के सरबरा निकले और वो उलुमा के साथ मिलकर बगावत की तैयारी कर रहे हैं। कौसम सुल्तान को उलुमा के इज्तमा का पता कैसे चला? ये सब तो मुझे भी नहीं मालूम मुफ्ती साहब। तुम भी तो इसमें शामिल हो सिनान पाशा। मेरा तो यही मशवरा है कि कोई भी बहाना करके पाए तख्त से दूर हो जाए। इतनी बड़ी हुकूमत का मैं शेखुल इस्लाम हूँ। मैं बुजदिलों की तरह भागने वाला नहीं हूँ। आप दोबारा मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं। मेरा हिजादे अफंदी से कोई ताल्लुक नहीं। आगाओ, इन्हें कैद किया जाए। अगर खत का पता चल गया उन्हें? इसी बात का डर है मुझे। कुछ भी करके हमें गुलबहार सुल्तान को खामोश कराना होगा नौरीन। अगर उनका मुंह खुला तो बच नहीं सकते हम।